प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मुझे तो बोलो विश्वास नहीं हो रहा कि सोसाइटी में कोई कलर करने वाला कलर नहीं करेगा। और इस कलर की वजह से इन्होंने ट्यूशन के सभी विद्यार्थियों को छुट्टी भी दे दी। भीरे भाई, कोई दूसरे एरिया के कलर वाले को ढूंढो ना। अरे बबीता जी, दूसरे एरिया का क्या, दूसरे शहर से भी अगर कलर वाला बुलाएंगे ना तो यहाँ के कलर वाले लोग उसको कलर करने नहीं देंगे। बोलो तो पुलिस कंप्लेंट करते है ना। हाँ डॉक्टर हाथी, पुलिस कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप पुलिस में शिकायत करोगे तो बाकी सारे कलर वाले इसको सपोर्ट करने के लिए एक भी यहाँ नहीं आएगा। हाँ, तारक ने सही कहा। भाई मैं तो कहता हूँ दुनिया में जितनी भी सोसाइटियाँ हैं उन सबको कलर कराना कैंसिल कर देना चाहिए, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। अब पप्पू तू भी यार कमाल करता है, अपनी सोसाइटी में इतने बॉम्बू बांधे हुए हैं, उनका क्या करें है? अब लगता है बाबू बंधे ही रहेंगे और अपनी सोसाइटी म्यूजियम बन जाएगी। ठीक बोल रही है, लेके स्कूटर जैसे। हाँ, और दूर दूर से लोग आएंगे ये बाम्बू धाम सोसाइटी देखने। हाँ बाबा, इससे तो अच्छा जो कलर था वही अच्छा था। आई नो मका है। अरे ये कलर करने का आइडिया था किसका? ये मिस्टर जेठालाल गड़ा का। देखो प्रॉब्लम मेरा आइडिया का नहीं है, प्रॉब्लम गलत आदमी को कॉन्टेक्ट देने का है। एक मिनट जेठालाल, कोई गलत आदमी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है हमने, हमने सही आदमी को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया है। एकदम करेक्ट है आदमाराम, और प्रॉब्लम तो जेठालाल तुमसे ही शुरू हुआ था ना। मुझसे? भाई बात तो सही है जेठालाल, ना ये तुम्हारे पास कलर होता ना ये सारा प्रॉब्लम होता। सही बात है। अच्छा देखा मेहता साहब, अच्छा ये लोग ने ये बिल्डिंग की गलती नहीं निकाली, वरना बोलता ना ये बिल्डिंग बनती ना ये प्रॉब्लम होता। और जेठा अपना गलती तो है तुम्हारी, वो अपने में कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे यार। अरे सोड़ी भाई, क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आया। ये अर्थघटन ही गलत है आपका। नहीं भाभी, सोड़ी एकदम करेक्ट बोल रहा है। जेठालाल, कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले तुमको बताना चाहिए था कि तुम्हारे पास कलर है। क्या बता देना चाहिए था यार, भाई जब 2.5 लाख का कलर जेठालाल 1.5 लाख में दिलवा रहा था तब तो किसी ने मना नहीं किया। तो फिर तब क्या बोलते मेहता साहब, परिस्थिति ऐसी हो गई थी ना, जेठालाल को कलर के लिए ना बोल सकते थे ना सकाराम को हाँ बोल सकते थे। जेठालाल जेठालाल, तुमने अपने स्वार्थ के लिए पूरी सोसाइटी में प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। हमने इतनी मुश्किल से 3 लाख का फंड जमा किया था सोसाइटी में, वो भी चला गया, और यहाँ सब जगह पर बाम्बू बंधे हुए हैं वो अलग, और उसका भाड़ा भी रोज देना पड़ेगा अलग से 5,000। अरे अभी भाई सोसाइटी को कोई कलर करने को तैयार नहीं है, उसका क्या करना है? ये जेठा भाई से पूछिए। अगर आप सबको ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से कोई कलर करने वाला नहीं आ रहा है और मेरी वजह से आप सबको परेशानी हो रही है, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। माफी? माफी मांगने तक कुछ नहीं होगा जेठालाल। ये बम्बू देख रहे हो, इसका रोज का 5,000 रुपए भाड़ा तुमको देना पड़ेगा। वो तो देगा ही, मना कहाँ कर रहा है। लेकिन हमारी सोसाइटी का ये जो कलर का प्रॉब्लम है, जो बांबू की तरह खड़ा है, उसका क्या करेंगे? हाँ,
जेठालाल 100 बात की एक बात। अब तुम चाहे सकाराम को मना के वापस लेके आओ या किसी दूसरे सकाराम को लेके आओ, हम सबको किसी भी हालत में ये सोसाइटी कलर की हुई चाहिए, मतलब चाहिए। सही बात है। चल माधवी, चल सुनो। चलो, चलो भाई, चलो 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 कोमल। अरे भिड़े सुनो तो। बापू जी, आपको भी मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा ना? सॉरी। नहीं जेठिया, इस बार तेरी गलती नहीं। बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? कलर। लेकिन बाबूजी, पूरी सोसाइटी को। बेटा, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अरे, दूसरों के भरोसे पे रहने वाला इंसान हमेशा दुखी ही होता है, समझा? मुझे दीजिए, मैं करता हूँ। अब्दुल, मैं करता हूँ नहीं, मैं भी करता हूँ। आज एक बात का एहसास तो हो गया दोस्त, अगर हम सोसाइटी वाले चाहे ना तो मिलके जंग भी लड़ सकते हैं। अरे, ये तो सिर्फ रंग लगाना है। सच कहा मेहता साहब, अब तो ये ब्रश तभी नीचे आएगा जब हमारी पूरी सोसाइटी का कलर हो जाएगा। शाबाश, आइए।
गोकुलधाम से आपको भी फोन आया था, तो आपने क्या बोला? मना कर दिया ना? अच्छा किया, याद रखूंगा। अब गोकुलधाम वालों की अक्ल ठिकाने आई। सभी कलर वालों को उन्होंने फोन किया पर सभी ने ना बोल दिया। अब गोकुलधाम वालों को पता चलेगा कि सखाराम क्या चीज है। अब गोकुलधाम वालों को नाक रगड़ कर, माफी मांगकर, एक्स्ट्रा पैसा देकर मेरे से काम करवाना पड़ेगा। कल सुबह जाता हूँ, गोकुलधाम वालों पर मेहरबानी कर ही देता हूँ कलर करने की। मेहनत रंग लाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है आज पता चला है। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी खुशियों के नए रंग में रंग गई। ऐसा लगता है कि सोसाइटी में आज नया सवेरा हुआ है। तो फिर नए सवेरे का स्वागत करने चले। सबसे ज्यादा चमक रही है आप की विंग। पूरा बोलने तो दो भाई। अरे मैं तो कहती हूँ कि हमारी ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी नई नवेली दुल्हन के जैसे चमक रही है। हाँ एकदम बराबर है चाची बाची। हाँ बराबर। ए टप्पू वहाँ पर हाथ मत लगा, दाग लग जाएगा। सॉरी मैडम अंकल। चलो फ्रेंड्स ये घर के डिब्बे रख के आते हैं। चलो फ्रेंड्स। यस। इस पूरे एरिया में हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एकदम नंबर वन हो गई है। सही बात है। ये बात तो सही है। अच्छा एक मिनट।
किधर जाना है भाई? नहीं एक मिनट बात करनी है। हाँ एक मिनट, थोड़ा थोड़ा आत्माराम। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस नई चमकी हुई गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, यह ऐलान करता हूँ कि गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत सारी मुसीबतें आई स्पीड ब्रेकर की तरह कलर करवाने में, लेकिन गोकुलधाम वालों ने अपनी एकता से हर मुसीबत को पार कर लिया और आखिर गोकुलधाम सोसाइटी नए रंगों में सज गई। एकता और यूनिटी बहुत सारे काम बहुत आसानी से करवा सकती है। ये हमेशा हमें जीत का हार पहनाती है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, अगर एक लकड़ी हो तो आप और मैं कोई भी उसे आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर लकड़ी का गट्ठर हो तो वो ताकत बन जाती है, उसे तोड़ना मुश्किल होता है। इस एकता ने हमारे देश को आजादी दिलाई, हम एक हो गए, हमारी यूनिटी थी तो हमारे देश ने तरक्की की। दोस्तों अगर विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर काम करें, एक हो जाए, तो हम महंगाई और भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं। एकता हमें उस परचम तक ले जा सकती है जिसकी कल्पना हमने नहीं की हो। लेकिन यहां क्या हुआ गोकुलधाम सोसाइटी में? अभी गोकुलधाम में रंग होने की खुशी का जश्न शुरू भी नहीं हुआ था कि भिड़े ने क्या देख लिया कि अचानक वो बोलते बोलते रुक गए। ठीक वैसे ही जैसे दिवाली में कोई पुराना पटाखा जलते जलते रुक जाता है, भिड़े बोलते बोलते रुक गए। आपको क्या लगता है कि कौन सी नई मुसीबत आने वाली है? नए रंगों में सजी गोकुलधाम सोसाइटी में कहानी में नया मोड़ क्या आने वाला है? इन रंगों के बीच में कौन सा तूफान है जो आपके चेहरों पे हंसी के रंग और बिखेरेगा? बस इसके लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कि हुआ क्या। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.